मुंबई में लगातार बढ़ते हुए ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई के चार बड़े ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 2,37,00,000 के ड्रग्स और 2,25,000 कैश बरामद करने के साथ साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाइजीरियन और 1 महिला शामिल है। ये महिला मीर रोड से गिरफ्तार की गई है। महिला के पास से करीब 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जो गांजे की तस्करी करती है। वहीं मीरा रोड सहित नाला सुपारा के अलावा एंटी नारकोटिक सेल ने 2 नाइजीरियन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में एमडी ड्रग्स और कोकेन बरामद किया गया है। एंटी नारकोटिक सेल डीटीपी दत्ता नलावड़े ने बताया कि मुंबई के आजाद मैदान यूनिट और वर्ली यूनिट सहित शिवाजी नगर यूनिट ने मिलकर महज 2 दिन में 4 बड़े ठिकानों का खुलासा किया है, जिनमें बड़ी संख्या में ड्रग्स और कैश बरामद किए गए हैं। फिलहाल इन 7 आरोपियों के अलावा और कौन लोग ड्रग्स कारोबार में शामिल है, इनकी जांच एंटी नारकोटिक सेल कर रही है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। एंटी नारकोटिक सेल मुंबई की तरफ से मुंबई में एक्टिव ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 दिनों में 4 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसमें टोटल 7 एक्टिव्स को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 अफ्रीकन नेशनल्स है। और इस कार्रवाई में अब तक 1 kg 55 grams मेफेड्रॉन, 132 grams कोकेन, 12 kg गांजा जब्त किया गया है। टोटल सीजर की जो प्राइस है वो 2,25,00,000 है। और इसी कार्रवाई में अब तक 2,34,000 की कैश भी बरामद की जा चुकी है। और इन सभी ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन शुरू।